अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज हम बना रहे हैं फ़िश मोल, और मोल फिश जो है बहुत ज़बरदस्त होती है थायराइड वालों के लिए भी। अच्छा, ये मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच आटे के। आटा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं ताकि अच्छे से जो है ना घुल मिल जाए। ये 2 चम्मच मैंने लिए कुटी मिर्च, ये देखें, और ये लिया मैंने 1 भर के बड़ा चम्मच नमक, और ये हल्दी। अब इसको हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें फ़िश मसाला वगैरह भी डाल लें तो बहुत मज़े का है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ है नहीं फ़िश मसाला, तो हम बल्कि मेरे पास सामान तो आया हुआ है कनाडा से, मैंने अभी उसके डब्बों को खोला नहीं है, लेकिन क्योंकि अब जल्दी जल्दी काम करना होता है तो बाजत में अभी सामान सेट नहीं हो पाया जब से मैं कनाडा से आई हूँ। कोई इतना काम हो नहीं पाया क्योंकि मैं बीमार हो गई। तो ये हो गया, देखें ज़बरदस्त किस्म का। अब हम इसमें डालेंगे फ़िश। ये फ़िश है, मैंने अच्छे से धो ली है। अब ये मैं इसमें डालती जाऊँगी और इसको कोडिंग करती जाऊँगी। सही है। अच्छा, हमारे यहाँ की मछलियाँ, मज़े की बात यह है कि अगर 2 चम्मच नमक भी डाल दो ना, तब भी ये इतनी भारी भरकम नहीं होती, ना नमक आता है, क्योंकि यहाँ नमक लगी हुई कोई भी फिश नहीं आती है, क्योंकि फ्रेश आती है हाथ के हाथ, सब लोग ख़रीद के ले जाते हैं, रोज़ खाते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, फिश ज़रूर खाएंगे। फ़िश नहीं खाएंगे तो उनकी सुबह नहीं होगी यहाँ के लोगों की। अच्छा, फ़िश में ना पानी ना हो, ऐसे मैंने इसको कर दिया फ़िलहाल। आज मैंने छन्नी में नहीं रखा है इसको, और बस जल्दी जल्दी बनाए दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए। और इसको ऐसे लगा लगा के ना खूब अच्छे से, आटे सूखे आटे में, फिश का असल मज़ा तो यही आता है। हम लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं, बहुत मसाले लगा लगा के पकाते हैं। सही है। अच्छा, ये देखें, इसको ऐसे 1 बाई 1 लगा लगा के मैं इधर कोने में करती जाऊंगी, फिर दिखाती हूँ। ठीक है, फिश को कर दिया अब हमने सेट। सही है, इसी के अंदर आटे में, अगर 1-1.5 घंटा और भी पड़े तो कुछ वो नहीं है मज़ायका, लेकिन खैर जल्दी जल्दी में ये इसी तरह ही अच्छी है और झटपट बनेगी। आपके मेहमान आए, बस फिश मंगाएं और इस तरह करें, और ये डाल दें ऑयल, और ये ज़्यादा ऑयल भी नहीं मांगती इस तरह के फिश ना, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल है सस्ता तो इतना मसला नहीं है, ढेर सारा भी डाल दो। पाकिस्तान में तो बहुत महंगाई है, बहुत तेल है, तो मैं तो खैर देखिए अच्छा खासा तेल डाल दिया मैंने फिर भी। और अगर स्टीम में बनाना चाहें तो स्टीम में भी बनती है, बहुत मज़े की बनती है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है नहीं जो मैं डालूँ इसके अंदर। अभी देखिए मैं ये गर्म हो जाए, जैसे ही गर्म होगा ना फिर से डालेंगे खोलता खोलता। ठीक है। अच्छा, यहाँ के लोग खाली नमक और आटा रखते हैं, मैं तो फिर भी थोड़ी हल्दी वल्दी लगाती हूँ। मैंने एक आध को खिलाया भाई, उसे तो बहुत ही अच्छी लगी ये फ़िश, कि भाई तुम्हारी तो ये कलरफुल फ़िश होगी। मैं कहा हाँ, हल्दी डालो तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें हल्दी भी है, सब चीज़ें हैं, और सूखा सूखा है सारा। मेहमान आए ना फौरन झटपट, भाई वाह, ये देखें ज़बरदस्त इसमें आटा लग चुका है। बस आप इसे 1 बाई 1 करके डालते जाए। ये आटा बचा हुआ है, आप चाहें तो इसको खूब अच्छे से भरक भरक के अंदर तक कर दें मसाले का। ये देखें हमारी 1 2 3 4 5 6 फिश हैं, जिसमें 4 असद की हैं और 2 मेरी हैं। मैं अपने मियाँ को हमेशा ज़्यादा खाना देती हूँ और ख़ुद कम खाती हूँ, और मेरी सेहत माशाल्लाह 2 फिश पे भी बहुत अच्छी है। खैर, मर्द होते घर के काम बहुत करते हैं भाई, बाहर के काम करते हैं, काम करते हैं। ये लीजिए, इसको भरक दिया हमने। मछली ना हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खानी चाहिए, वरना लोग खाते नहीं, और मसाले इतने डाल देते हैं तो असल जायका, असल वाइटामिन सारे चूमंतर हो जाते हैं। तो लिहाजा मछली को मछली की तरह खाओ, बहुत ज़्यादा मसाले डाल दो ख़राब हो जाती है, तो आटे में करो भाई। मैंने तो ये क्रोशिया में सीख ली है, मैं कह ये सही है, जल्दी से झटपट और फ्लेवर आता है गोश्त का, वरना हमारे तो लहसुन प्याज के ही रहते, हर चीज़ में लहसुन प्याज डाले बगैर हमारा खाना ही नहीं होता। अब ये एक तरफ भुन जाएगी, बहुत जल्दी होगी, क्योंकि ताज़ी फिश है ना ये, जल्दी हो जाती है। बस 5 मिनट 1 और 5 मिनट अभी ये तेज़ पे है, क्योंकि चूल्हा मैंने हल्का कर दिया था, तेज़ चूल्हा करके फिर हल्का कर दें, तो ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए। सही। अब 5 मिनट में इसको रखूँगी, 3 मिनट तेज़, 2 मिनट हल्का, फिर इसको पलट दूँगी। ठीक है। वाह भाई वाह, फिश जो हो गई रेडी। अब इसमें से आवाज़ आ रही है, आवाज़ चटर पटर, ओपा ओपा। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, और हमने डिश बनाई है अपनी, ये फ़िश की शक्ल की लेकर आई थी मैं, अब मैं इसमें से निकाल के इसमें रखूँगी। इस पर डाल दिया मैंने हरा धनिया, खूबसूरती के लिए, खुशबू आएगी मज़ेदार। इसमें आप चाहें तो सूखी मेथी भी डाल सकते हैं और अच्छी लगेगी, कैसे भुन गई है। एक मैंने निकाल ली, अब सब निकाल।
माशाल्लाह हमारी फिश होगी रेडी। अब हम खाने वाले हैं। ये मैंने बनाया था मार्मलादा, जो कि मेरी अगली वीडियो में आएगा। जूस हो गया, रोटी भी पक गई, रोटी भी खाएंगे। ग्रेस भी है, अल्लाह की बेशुमार नेमत है। दस्तरखान पे शुक्र है अल्लाह पाक का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक ने इतना अच्छे अच्छे मेवे और चीज़ें दी हैं। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। यह है मेरे आलू बुखारे, यहाँ पे शलीवा कहते हैं। फिश भी बहुत ज़बरदस्त है, रूखी खाएं, रोटी से खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। अल्लाह पाक सबको दे, बहुत सा दे, आमीन सुम्मा आमीन, बेहतरीन ग़िज़ा है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक सब मुसलमान बहन भाइयों को दे, सबकी परेशानियां ख़त्म हो, आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह